नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच सबसे फनी हदीसों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला हदीस है सही बुखारी 7116। रसूल ने कहा, जब तक देश जनजाति के औरतें अपने पिछवाड़ा को हिलाते हुए दी अल खालसा के चक्कर ना लगाते, तब तक आखिरी वक्त यानी कयामत नाजिल नहीं होगा। तो देख रहे हो लॉजिक, पिछवाड़ा को हिलाने से इनका कयामत चला आता है। वाह, क्या लॉजिक है। अगला देखिए, सही बुखारी 1144। एक आदमी ने बताया कि वो एक बार सुबह तक सो गया था और नमाज के लिए उठ नहीं पाया। तो रसूल ने इस पर बोला कि उसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया था। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर थकान के वजह से सुबह तक सो जाए, तो इसका मतलब यह है कि शैतान उसका कान में पेशाब कर रहा है। वाह, क्या लॉजिक है। अगला हदीस देखिए, जमियत त्रिमिजी 3117। इधर लिखा है कि एक बार रसूल के पास आकर कुछ यहूदियों ने तूफानों के बारे में उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि बादल तूफानों में तब गरजते हैं जब फरिश्ते बादलों पर वार करते हैं। यानी कि बादल जब गरजते हैं, इसका मतलब ये है कि फरिश्ते उन बादलों पर वार कर रहे हैं। सही मुस्लिम 7586। जब आधी रात बीत जाता है, तो अल्लाह सबसे निचले वाला आसमान में दाखिल होकर ये बोलता है कि क्या कोई भिखारी है जिसे वो कुछ दे सके? क्या कोई याचना करने वाला है जिसको उत्तर दिया जाए? क्या कोई क्षमा मांगने वाला है जिसको क्षमा दिया जाए? और अल्लाह सुबह होने तक यही बकता रहता है। यहाँ पर फनी बात यह है कि अगर धरती चपटी होता तो यह बात ठीक था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि धरती गोल है। धरती का एक तरफ जब रात हो रहा होता है, तब दूसरी तरफ दिन हो रहा होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह सिर्फ जमीनों का कुछ ही हिस्सों में आ पाता है, और टाइम के साथ अल्लाह भी एक सैटेलाइट की तरह जमीन का चक्कर लगाता है। लास्ट वाला हदीस देखिए, सही बुखारी 3887। यहाँ पर एक किस्सा आया है कि मोहम्मद एक बार नींद में था, और नींद नींद में ही उसको एक बुराक नाम का एक पशु मिला जो कि घोड़ी से छोटी और खच्चर से बड़ी थी, और वो उसे जन्नत ले गया था। और वो इतनी तेजी से उसे ले गया था कि एक पल में ही उसे जन्नत घुमाकर वापस ले आया। इस पर मुस्लिम बोलते हैं कि ये जो बुराक नाम का जो गधी घोड़ी खच्चर है, वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो प्रकाश है जो कि प्रकाश के गति में नबी को जन्नत को घुमाने ले गया और उसी रात वापस चला आया। अगर हम मान भी ले कि ये बुराक प्रकाश के गति में गया था, लेकिन किसी भी चीज को प्रकाश के गति प्राप्त करने के लिए उसका वजन जीरो होना चाहिए। तो क्या हम इधर ये मान ले कि मोहम्मद का वजन 1 ग्राम या उससे भी नीचे था? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।